अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अरे राजवीर की मर्जी के बिना क्या ये राजवीर को हासिल कर सकती है? नहीं ना, इतने बड़े घर का लड़का आसानी से तेरे हाथ में आ जाएगा। अरे उसने नाटक भी इसलिए किया था कि तेरे साथ ना जाना पड़े, और ये सब ना ये इसलिए बोल रही है क्योंकि ये खुद राजवीर के मुंह से ये सच सुनकर आ रही है। भूजी एकदम ठीक कह रही है, एकदम ठीक। राजवीर ने मुझे खुद कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है, तुझसे नहीं। वो मुझे लाइक करता है, तुझे नहीं। देखिए हम आप सबकी बात मान लेंगे, लेकिन लेकिन क्या? उससे पहले हम एक बार राजवीर जी से खुद बात करेंगे। मुझे पता था ऐसा ही होने वाला है। डी मॉम, भूजी इसे अपनी बहन पे भरोसा नहीं है, एक बाहर वाले पे विश्वास कर रही है ये, इसलिए ना चाहते हुए भी ना मुझे राजवीर की आवाज रिकॉर्ड करनी पड़ी ताकि मैं इसे सबूत दे सकूं कि मैं झूठी नहीं हूं। लो सुनो, तुम खुद सुनो। मैं किसी और से शादी करना चाहता हूं, जानती हो ना तुम, और जिससे प्यार करता हूँ उसी से शादी करूंगा। ये मेरा टाइप नहीं है, ये हरकतें ये बातें मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। हम दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, सोच भी कैसे सकती हो तुम। हमारा ये रिश्ता मेरे घर वालों की गलती थी, क्योंकि उन्हें सच्चाई के बारे में नहीं पता था। अगर वो पहले से जानते तो ये गलत फहमियाँ ही नहीं होती। इसलिए प्लीज, जो भी खिचड़ी तुम्हारे दिमाग में पक रही है ना, उसे खत्म करो। कैसे हो सकता है? उन्होंने खुद हमसे कहा था कि वो इस शादी से खुश है और हमसे ब्याह करना चाहते हैं, फिर अचानक कहाँ हो गया उन्हें? हमें दादू को सब कुछ बताना होगा। वो बेचारे इतने खुश है, सारी तैयारियां कर रहे हैं, अनर्थ हो जाएगा, हमें रोकना होगा उन्हें। चाहे रुक, मेरा मतलब है मेरी बात सुन देवयानी। देख, वो तुझसे शादी नहीं करना चाहता, वो मुझसे शादी करना चाहता है। अरे ये उसके लायक है ही कहाँ जो इससे शादी करना चाहेगा। भूजी ऐसे नहीं कहते। देख देवयानी, मैं समझती हूँ तुझे बुरा लगा है, पर तू खुद बता, कर तू दद्दू से जाके ऐसी बात कहेगी तो तू तेरी शादी को लेके कितने खुश है, और ये बात सुन के उन्हें हार्ट अटैक आ गया तो उनकी तबीयत खराब हो गई। फिर तू सीरियसली चाहती है दत्तू के साथ ऐसा हो? देख मैं कुछ नहीं कहूंगी, तू समझदार है, फिर तेरा जो मन तू वो कर, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। देवयानी बेटा, तू हमेशा से ये चाहती थी ना कि हम तुझे तारा की तरह प्यार करें। देख बेटा, एक बार राजवीर और तारा की शादी हो गई, उसके बाद हम तुझे अपना लेंगे, हमारी पोती की तरह प्यार करेंगे, जितना प्यार हम तारा को करते हैं ना, उससे भी ज्यादा प्यार करेंगे। तुम्हारे माँ बाप की कमी कभी महसूस नहीं होने देंगे। सच्ची? हाँ बेटा, एकदम सच्ची। बस बेटा, एक बार शादी हो जाने दे, इसीलिए हम कह रहे हैं कि तू तारा की बात मान ले। देवयानी एक काम कर, मेरी बात मानेगी? चल इधर, अच्छा इधर आ बैठ। देख देवयानी, अब मैं जैसा कहती हूँ ना वैसा लेटर लिखना, ठीक है? Thank you.
अकेले। देवयानी प्लीज अब लिख, जैसा जैसा मैं बोलती हूं वैसा वैसा लिखना। हाँ ओल्डी नहीं मतलब दद्दू दादी हमें माफ कर दीजिए, हम राजवीर से प्यार नहीं करते। मैं हमेशा से अपनी लाइफ में ऐसी लड़की चाहता था जो सिंपल हो, जिसका दिल ना सोने का हो। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? मैं किसी और से शादी करना चाहता हूँ, जानती हो ना तुम, और जिससे प्यार करता हूँ उसी से शादी करूंगा। सोच भी कैसे सकती हो तुम, हमारा ये रिश्ता मेरे घर वालों की गलती थी। हम तुझे अपना लेंगे, जितना प्यार हम तारा को करते हैं ना उससे भी ज्यादा प्यार करेंगे। दिव्यानी हाँ, और ना ही उससे शादी करना चाहते हैं। इसीलिए हम इस शादी को छोड़कर जा रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ रुकी तो आप हमारी शादी राजवीर से करवा देंगे, जो हम नहीं चाहते हैं। इसलिए मजबूरन हम आप सबको छोड़कर जा रहे हैं। आपकी प्यारी देवयानी। देख कितना आसान था, है ना? बस हो गया। बेटा, तू अपनी दादी से प्यार करती है ना, इस परिवार से प्यार करती है ना? नहीं 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 नहीं, आंसू नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अपनी दादी पे भरोसा है ना? सब ठीक हो जाएगा। चलो चलो